नमस्ते, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। वैसे हमको ना इससे भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश आता है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, कैसे कि आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। वैसे हमको एक ठो बात समझ में नहीं आ रही कि लोग सांसद बनने के बाद ऐसा ऊपर काहे आसमान में चढ़ जाता है। हम वो 2.5 किलो वाला हाथ सनी देओल है ना, उनकी बात करो, जब से सांसद बने हैं ऐसा फीस बढ़ा दिए हैं। वो अभी फतेह सिंह मूवी में आने वाला था तो अपने मेकर से पता है कितना रुपया मांगे हैं? 5 करोड़ रुपया। इतना महंगा हो गए हैं, देखिए सांसद बनने के बाद। देखिए सनी जी, ऐसा पैसा मांगेंगे तो कोई काम नहीं देगा, पॉलिटिक्स में ही लगे रहिएगा। अरे वो हम का बता रहे थे, वो रंगोली चंदेल है ना, वो कंगना रनौत की बहन, हाँ, ट्विटर पे आजकल सभी से लड़ाई करने में जुड़ी है। वो जजमेंटल है का ट्रेलर आया था, ऊपर तापसी पन्नू को है ना कंगना का सस्ता कॉपी बोल दी, उसे लड़ डाली। और फिर है ना उतर आई कंगना जी अपनी बहन का सपोर्ट में, कहने लगी कि जब अनुराग कश्यप तापसी को सपोर्ट करेंगे तो हम काहे नहीं अपनी बहन को सपोर्ट करेंगे। वैसे ना रंगोली चंदेल का आजकल एक नया शिकार बना है, और उस शिकार है दीपिका पादुकोण। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बेचारी दीपिका ने क्या कर दिया। अब भाई कुछ समय पहले नहीं दीपिका अपना डिप्रेशन का बात सबको बताई थी, तो वो अब ना वो लिव लव लॉफ नाम का कोनो फाउंडेशन से जुड़ गए हैं, और ऐसा जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं ना उनका मदद कर रहे हैं। तो ऐसा जो लिव लव लॉफ फाउंडेशन का है ना ट्विटर पोस्ट अभी डाला था, वो दीपिका का डिप्रेशन वाला पोस्ट पे 1 मिलियन व्यूज आ गया है। और ये बात ना वो रंगोली चंदेल को बिल्कुल ही ना ही पसंद आई, वो भड़क गए दीपिका पर। देखिए तो क्या बोल रही हैं, ये क्या हो रहा है, ये डिप्रेशन होता है? ये वो लोग हैं जिनको वर्ल्ड मेंटल से प्रॉब्लम थी, मगर डिप्रेशन वीडियोस पे बरातियों की तरह नाच रहे हैं। क्या घटिया वाहियात तरीका है डिप्रेशन के नाम पर पब्लिसिटी लेने का। वैसे ना रंगोली, हमको क्या लगता है तुमको बिग बॉस में चले जाना चाहिए? काहे कि ऐसा ट्विटर पर ऐसा सोशल मीडिया पर सबसे लड़ाई करती फिरती हो, आमने सामने तो सबको नानी ही याद दिला दोगी। वैसे बिग बॉस से हमको याद आया कि जो जायरा वसीम है ना, ऐसा प्लानिंग चल रहा है कि बिग बॉस 13 में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाएंगे। वैसे जायरा बॉलीवुड तो छोड़ दी है, हमको लग रहा है बिग बॉस में आ जाएंगे कुछ भी। वैसे बिग बॉस वाला भी बहुत ही तेज लोग हैं, ऐसा ऐसा छांट छांट के लोग लाते हैं, का बताएं। एक ठो बात बताएं, वो तेलुगु का सुपरस्टार नहीं है अल्लू अर्जुन, वो ना भाई अपने लिए ना एक ठो बढ़िया सा वैनिटी वैन खरीदा है पूरा 7 करोड़ का। अरे दादा, 7 करोड़ रुपये में तो हम 2-3 बंगला खरीद ले, 2-3 गाड़ी खरीद ले, एक ठो वैनिटी वैन ही खरीद पाए। वैसे अल्लू अर्जुन, अगर तुम हमको अपना नया बस का पार्टी देना चाहते तो बिल्कुल दे सकते हो। अब ना हम चलते हैं, मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, जरा घूम फिर कर आएंगे। आप देखते रहिए 7i न्यूज़। नमस्कार।